अभी संकल्प पत्र जारी किया है। इसको हम लोग अगले दिन देश भर के बाकी राजधानियों में करेंगे। उसी निमित्त माननीय भूपेंद्र जी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बिहार के प्रभारी, बिहार के अपने सम्मानीय अध्यक्ष अरविंद चरण राय जी और मैं साथ में देवेश जी प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण सिन्हा जी मुख्य सचेतक और बाकी सारे प्रवक्ता मिलकर इसको यहाँ पर आपके सामने रखे हैं। मैं तीन चार विषय आपके सामने रखूंगा, माननीय भूपेंद्र जी कुछ विस्तार से रखेंगे, माननीय अध्यक्ष जी और फिर आपके सवाल। भाजपा के संकल्प पत्र में और कांग्रेस के संकल्प पत्र में भारत के भविष्य की दृष्टि का मूल अंतर है। द फंडामेंटल चेंज, फंडामेंटल डिफरेंस इन द अप्रोच ऑफ द बीजेपी संकल्प पत्र एंड द कांग्रेस मैनिफेस्टो एज फार एज फ्यूचर इंडिया। हम देश की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, देश को मजबूत बनाने की बात करते हैं और एक राष्ट्रीय संकल्प की बात करते हैं। कांग्रेस देशद्रोही कानून को हटाने, कांग्रेस पार्टी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को समाप्त करने की बात, जबकि कश्मीर में हमारे सेना के जवान पदाधिकारियों पर हमले होते हैं और झूठे केस होते हैं, कोई सही केस हो हम कभी नहीं हो जाए। ये सच्चाई है कि उनके खिलाफ प्राइवेट केस होते हैं। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा है। भाजपा का संकल्प पत्र देश के मजबूत जवानों, सुरक्षा कर्मियों, नौजवानों और आने वाले पार्टी का खड़ा है। ये पहली बात समझने की जरूरत है। दूसरी बात, देश में दिन में सपने दिखाने पर कोई पाबंदी नहीं है। There is no prohibition on day dreaming। कांग्रेस पार्टी ने फिर एक वो हमको जुमला कहते हैं, जुमला तो उन्होंने किया है कि हम न्याय देंगे। 55 साल देश में राज करने के बाद कांग्रेस पार्टी को पहली बार लगा कि न्याय देने की जरूरत है। मतलब अब तक उनके चिंतन में न्याय नहीं था। 71 में इंदिरा जी ने कहा गरीबी हटाओ, आपने देखा गरीबी हटी क्या? हमारी सोच क्या है? हमने जो काम किया है, जो जनता के बीच पहुंचा है, उसके बिना पर हम भविष्य रास्ता बताते हैं। अगर किसानों को 14 करोड़ हमने दिया, उनको इंश्योरेंस कवर फसल बीमा योजना, अगर देश के 12 करोड़ किसानों को हम हर साल 6000 रुपया दे रहे हैं, अगर आज 22 करोड़ किसान सॉइल हेल्थ कार्ड पर हैं, अगर आज देश में ब्लू रेवोल्यूशन है बाकी है, तो हमने क्या कहा है, हम देश के कृषि विकास के लिए 25 लाख करोड़ का खर्चा करेंगे। तो जो करके दिखाया उस बात, अगर हमने देश में तेज गति से सड़कें बनाई, ग्रामीण सड़कें बनाई, 18,000 बचे हुए गांव में बिजली पहुंचाए। अब मित्रों, मैं प्रचार में 2 दिन पहले गया था बख्तियारपुर के आगे, जो गंडा के उस पार सारे इलाके हैं, मैं देख करके मुझे देखने लगा नरेंद्र मोदी और नीतीश जी की सरकार का काम। उन्होंने कहा पहली बार जिंदगी में गांव में बिजली आई है, जो पिछले सैकड़ों साल में थी। तो हमारा काम जमीन पर दिखता। अगर 10 करोड़ ग्रामीण शौचालय बनाए 5 साल में तो दिखता है। बिजली लाई, 2.5 करोड़ लोगों को बिजली दी, तो वो दिखता है, जाके आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर देश को डिजिटल पावर बनाना है तो 130 करोड़ के देश में 121 करोड़ मोबाइल फोन है, तो यहां भी चल रहे हैं, ये दिखता है। दुनिया का सबसे सस्ता रेट है मोबाइल का, सबसे रेट है डाटा का, तो ये दिखता है। इंटरनेट देश में पिछले 5 साल में 268 मोबाइल फैक्ट्री कंपोनेंट के साथ आई है, तो ये दिखता है। मुद्रा योजना में 14 करोड़ लोगों को 7.5 लाख करोड़ रुपया दिया, तो ये दिखता है। ये तो 4.5 करोड़ फर्स्ट टाइम आए, तो ये हमारा काम दिखता है। उस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि देश के ढांचा में हम 100 लाख करोड़ रुपया लगा, देश की सुरक्षा, देश का आत्मसम्मान, सेना के साथ मजबूती से खड़े रहे हुए हैं और किसान, नौजवान और
मैं उसको बहुत इस घोषणा पत्र के उस समिति में भूपेन्द्र जी के साथ था, मुझे सबसे गौरव हुआ है हमारे मैनिफेस्टो के एक पर्टिकुलर पर कि हम भारत के स्टार्टअप मूवमेंट को और आगे बढ़ाएं। आपको जानकर खुशी होगी कि इस बात में देखता हूं पिछले 2015 से हमने भारत का स्टार्टअप शुरू किया था, आज भारत दुनिया की सेकेंड बिगेस्ट स्टार्टअप है, हम 50 लाख रुपए हम और देने जा रहे हैं, तो नौजवान जो जॉब सीकर बन रहे हैं, तो हमारे हम झूठे सपने नहीं दिखाते, जो काम किया उसकी बुनियाद पर देश बात तो मौलिक अंतर। मित्र अंत में हमको एक टिप्पणी करनी है, पानी गुरेंद्र जी बोलेंगे और पानी अध्यक्ष आप सुना राहुल गांधी ने फिर कुछ ट्वीट किया है, भ्रष्टाचार पर बहस करने की मोदी जी को चुनौती दी है। ओ श्रीमान राहुल गांधी, पहले इसका तो जवाब दो कि भोपाल से सैकड़ों करोड़ रुपए कहां से निकल रहे हैं, पहले इसका तो जवाब दो कि कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष से 20 करोड़ के हवाला डीलिंग की बात चल रही है, तो उसका जवाब नहीं देते। अपने बेल पर हो, मां के साथ बेल पर हो, भैरवी साहब रोज बेल पर बाय बाय कर रहे हैं, तो पहले अपने भ्रष्टाचार का जवाब दो। नरेंद्र मोदी की ईमानदारी के बारे में अलग से बात होगी, क्योंकि आपका वो नैतिक अधिकार है ना, आपका वो व्यक्तित्व है ना, आपका वो आचरण है। हम गर्व से कहते हैं हमारी सरकार ने 5 साल में 7.5 लाख ईमानदारी से, जब श्रीमान राहुल गांधी बोले हैं तो कपिल सिब्बल भी बोल पड़े। ऐसे आपको बताएं, हम दिल से बनाते हैं चुनाव के समय कपिल सिब्बल दिग्विजय सिंह खूब बोले, वो जितना बोलते हैं तो हमारा वोट उतना ही बढ़ता है, तो कुछ दिन से वो शांत थे, आज बोल पड़े। बेबुनियाद झूठे आरोप लगाए हैं कपिल सिब्बल ने नोटबंदी को लेकर, वही बेसुरा राग वो लगा रहे हैं जो पिछले 3-4 साल से लगा रहे हैं और हर चुनाव में पिटते हैं वो लोग। इस बार उन्होंने कपिल सिब्बल ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बेबुनियाद आरोप लगाए, इस बेबुनियाद आरोप को हम रिजेक्ट करते हैं और हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, झूठे बेबुनियाद आरोप लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन बड़ी बात क्या है, राहुल गांधी की टिप्पणी हो या कपिल सिब्बल की हो, यह हताशा का परिचय है। कांग्रेस पार्टी हार की सीधा दिखाई पड़ रहा है, तो बिहारी भाषा में शुद्ध गाली गलौज पर उतर रही है। हम गाली का जवाब गाली नहीं देंगे, हम देश के सामने इन्हें बेनकाब करेंगे। ये कपिल सिब्बल वही है जो भारत के चीफ जस्टिस के खिलाफ इम्पीचमेंट का आरोप लगाते हैं और बाद में विड्रॉ करते हैं। देश के उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के खिलाफ भी उन्होंने इस तरह आजादी के बाद पहली बार कार्रवाई की। ये कपिल सिब्बल वही है कि लंदन में एक नकाबपोश बैठा व्यक्ति भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़े करता है, और कपिल सिब्बल वहां मौजूद है। ऐसे लोग बात करेंगे नरेंद्र मोदी भाजपा की ईमानदारी पर सवाल, ऐसे लोग का जवाब जनता देगी। जो बार बार कभी राम मंदिर के मामले पर अड़ंगा लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, कभी इम्पीचमेंट करते हैं, कभी लंदन से हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर सवाल करवाते हैं, एक नकाबपोश फरेब इंसान से, और आज झूठी बात कहते हैं। तो इसके बारे में मुझे इतना ही कहना था, we reject all these allegations with the contempt it deserves। ये सारी आलोचनाओं का हम सीधा अस्वीकार करते हैं, बेबुनियाद झूठे और पार्टी उचित कानूनी कार्रवाई के लिए अपने अधिकार का प्रयोग। मुझे इतना ही कहना था, अब मानिए भुगत की।